नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। पूर्व मुख्यमंत्री एवं इनेलो प्रमुख चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का बयान, बोले अटल जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए दिया था बिना शर्त के समर्थन। वहीं बीजेपी के गठबंधन के लिए चर्चाओं पर बोले ओम प्रकाश चौटाला, भाजपा से गठबंधन के लिए नहीं किए थे कोई प्रयास, बीजेपी के एक मंत्री की वजह से आई चर्चाएं, बाकी राजनीति में संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। आप देख रहे हैं पल पल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री एवं इनेलो के प्रमुख चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ने की दरकार है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि अतीत में जिस प्रकार की लड़ाई लड़ी गई है वैसी ही लड़ाई अब आतंकवाद के खिलाफ लड़नी होगी। ओम प्रकाश चौटाला ने अपने सिरसा स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये बात कही। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की अनेक विफलता है, एक के बाद एक विफलता सामने आई है। उन्होंने कहा कि आज भारतवर्ष का प्रत्येक नागरिक पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयार है। फौज के जवानों का मनोबल नहीं गिरना चाहिए, इसके लिए सरकार और आम लोगों को प्रयास करने होंगे। चौटाला ने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला। वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में देश के लोगों ने 56 इंच का सीना के बजाय नहीं बल्कि 15 लाख रुपए के झूठे वायदे के बहकावे में आकर भाजपा को सत्ता सौंपी थी। वहीं उन्होंने बीजेपी के गठबंधन की चर्चाओं पर स्पष्ट करते हुए कहा कि उनकी ओर से कोई प्रयास नहीं किए गए हैं, बल्कि बीजेपी के एक मंत्री की वजह से ही ऐसी चर्चाएं सामने आई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि जोड़ा की राजनीति में संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। पूर्व मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनकी पार्टी को उस समय बिना किसी शर्त के समर्थन दिया था, ये बात भी उन्होंने कही। इसके अलावा उन्होंने इनेलो से अलग हुए अपने पोते दिग्विजय और दुष्यंत के राजनीतिक भविष्य के सवाल पर चौटाला ने पूरी तरह से चुप्पी साध ली। आइए देखते हैं विशेष रिपोर्ट। पाकिस्तान तो निरंतर इस प्रकार के हालात पैदा करता रहता है, उनको सबक सिखाने के लिए सरकार को लड़ाई लड़के भी उनको अतीत में जिस प्रकार से सबक सिखाया भविष्य में भी सिखाना। क्या अतीत में हमारी सरकार की तरफ से उनको सबक सिखाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ी गई थी? इसका हल तो यही है कि हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके लड़ाई लड़के उनको सबक सिखाए। अब हमारे जवान कब तक शांति देते रहेंगे? हमारी सोच जो है वो तो किसी के प्रति द्वेष की दुर्भावनाओं की नहीं है, लेकिन अगर कोई गलत निर्णय लेके हमारा नुकसान करता है तो फिर उसको सबक सिखाने के लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी और कोई चारा ही नहीं। हमारे समूचे राष्ट्र के लोग, चाहे कोई किसी भी विचारधारा के हों, पाकिस्तान से जब लड़ाई होती है तो सारे मतभेद बुला के लोग सरकार के साथ होते हैं कि नहीं होते? आप इसको भी छोड़िए, पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का अगर हॉकी का मैच होता है, क्रिकेट का होता है, उसमें भी हम किसी से हारे या जीते अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले में तो हर नागरिक की एक सोच रहती है हमें सफलता मिले। यही हालात लड़ाई के वक्त में भी हो गए, तो इसलिए उनको सबक सिखाने के लिए लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। अब कब तक कोई लड़ाई से टलेगा? हमारे जवान बिलावजह मरते जाएंगे, ये कैसे बर्दाश्त होगा?